दुख की इस घड़ी में रूस के साथ खड़ा है भारत। पीएम मोदी ने की मॉस्को में हुए आतंकी हमले की निंदा। रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोको सिटी कंसर्ट हॉल में हुई गोलीबारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कड़ी निंदा की। अपने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि हम मॉस्को में हुए जघन आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। हमले में 60 लोगों की मौत। दरअसल शुक्रवार को मॉस्को के क्रोकस सिटी कंसर्ट हॉल में बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे। इसमें कम से कम 60 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हैं। कुछ घंटों के बाद इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। एक बयान में आतंकवादी समूह ने दावा किया कि उसने मॉस्को के बाहरी इलाके कोस्नोगोर्स्क में ईसाइयों की एक बड़ी सभा पर हमला किया है। हमले का वीडियो डरा देने वाला। हमले की जगह की वीडियो फुटेज में क्रोको सिटी हॉल कंसर्ट स्थल में आग लगी हुई दिखाई दे रही है, जिससे हवा में घना काला धुआं भर गया है। इसमें विशाल हॉल में गोलियों की आवाज के बीच डरे हुए स्थानीय लोगों को चिल्लाते और दुबकते हुए भी दिखाया गया है। राज्य संचालित RIA नोवोस्ती ने बताया कि सशस्त्र व्यक्तियों ने गोलीबारी की और एक ग्रेनेड या आग लगाने वाला बम फेंका, जिससे आग लग गई। सफेद रेनॉल्ट कार से भागे हमलावर। समाचार एजेंसी ने बताया कि इसके बाद वे कथित तौर पर एक सफेद रेनॉल्ट कार में भाग गए। 115 लोग अस्पताल में भर्ती। अधिकारियों के अनुसार अमेरिका ने मार्च में खुफिया जानकारी जुटाई थी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसे ISISK के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान में स्थित समूह के साथ मॉस्को पर हमले की योजना बना रही थी। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने TASS को बताया कि 5 बच्चों सहित 115 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 60 लोग गंभीर हालात में हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को सिटी ड्यूमा के अध्यक्ष एलेक्सी सापोसनिकोव ने मॉस्को निवासियों से पीड़ितों के इलाज में मदद के लिए रक्तदान करने का आह्वान किया है।